लखनऊ से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरदोई के दर्शन कराती हूँ। प्रकृति की गोद में बसा हरदोई जनपद पंच नदी का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर गंगा, गोमती, गर्रा, गंभीरी और नीलम जैसी प्रमुख नदियों से बसा हुआ है। राम गंगा और गंगा नदी में आई बाढ़ ने हरदोई में तबाही मचा दी है। करीब 500 गांव के 2 लाख से ज्यादा लोग मुसीबत में हैं। हालात इतने बिगड़े हैं कि सेना को भी। पंच नदी क्षेत्र होने के कारण हरदोई जनपद की 4000 एकड़ जमीन भूड़ा खेती कहलाती है। यहां पर किसान भाई खस की खेती कर सकते हैं और इस जमीन से भी मुनाफा कमा सकते हैं। और करीबन 4000 एकड़ बागवानी खेती है और बागों में लेमन ग्रास की खेती करके डबल मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि आम के आम और घास के दाम। और इसके अलावा 3000 एकड़ ऊसर बंजर उबड़ खावड़ जमीन है। इन जमीनों में भी किसान भाई औषधि खेती और सगंध खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं। हरदोई जिले की बेकार पड़ी बाढ़ग्रस्त बलुई उबड़ खावड़ एवं ऊसर बंजर की बढ़ती हुई जमीन तथा बागों के नीचे की जमीन, यानी कि जनपद की 10000 एकड़ जमीन पर ₹40,000 प्रति एकड़ की दर से प्रति वर्ष ₹40 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी किसान कर सकते हैं। आपको मिलवाते हैं डॉक्टर इमरान जी से, जो आपको लेमन ग्रास और खस की खेती के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं इमरान खान, मैं आप किसानों को लेमन ग्रास और खस की खेती के बारे में जानकारी दूंगा। पारंपरिक खेती के अलावा वैज्ञानिक खेती की जानकारी न होने के कारण किसान परेशान है। आपको ले चलता हूँ ऐसी जमीन में जहाँ कुछ नहीं होता है, ऐसे किसानों से मिलवाता हूँ और ऐसी खेती के बारे में बताता हूँ जिनको करके किसान आज खुशहाल है। जिन जमीनों का कोई पूछा तक नहीं था, यहाँ तक कि खेतों के मालिक तक नहीं, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड के सहयोग से बेकार पड़ी जमीन भी सोना उगलने लगी है। ये देखिए, बागों के अंदर ऊसर बंजर भूड़ और बाढ़ग्रस्त जमीनों में भी किसानों ने अपनी मेहनत और स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के मार्गदर्शन से लेमन ग्रास और खस की खेती सफलता पूर्वक कर रहे हैं। इन फसलों के तेल का दाम बहुत अच्छा मिलता है और अन्य फसलों के तेल के दाम की तरह बहुत घटता बढ़ता भी नहीं है। खस के तेल का दाम 12,000 से लेकर 24,000 रुपए प्रति लीटर है। एक एकड़ खस की जड़ से 8 से 10 लीटर तेल निकल जाता है, यानी एक एकड़ से 12 से 18 महीने में 1,00,000 रुपए का लाभ होता है। खस की फसल निचली और पानी में डूब जाने वाली जमीनों में भी हो जाती है। लेमन ग्रास की फसल बागों में उबड़ खाबड़ भूड़ ऊसर जमीनों में जहाँ कुछ नहीं होता हो जाती है और 5 साल तक इसकी कटाई होती रहती है। लेमन ग्रास के तेल का दाम 600 रुपए प्रति लीटर है। एक एकड़ से 40,000 रुपए प्रति वर्ष की आमदनी है। हिंदुस्तान से लेमन ग्रास की पत्ती फ्रांस जाती है और वहां से लेमन टी बनकर 600 रुपए प्रति किलो वापस हिंदुस्तान में बेची जाती है। खस की जड़ें मिट्टी का कटाव रोकती हैं। पत्ती से मजबूत छप्पर तथा हैंडीक्राफ्ट के सुंदर आइटम भी बनाए जाते हैं। जिले में 16,00,000 रुपए का खस तथा लेमन ग्रास का तेल, पत्तियां, पाउडर, शरबत आदि बेचा जा चुका है। खेतों में 1 करोड़ रुपए से अधिक की फसल खड़ी है। ये खेती करने से पहले आप क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, पड़ा रहता था, इसमें कुछ होता ही नहीं था। जो कुछ नहीं होता था, इसके बाद आपने खस की खेती शुरू की। कितनी उम्मीद है, क्या उम्मीद है आपको, कितना? इसमें हमको कम से कम 90,000-1,00,000 की उम्मीद है। अच्छा, इसमें मिल जाएगा। ये जो है बेकार पड़ी रहती है। हाँ, बेकार पड़ी रहती है। ये फसल हर जमीन में हो जाती है, उबड़ खाबड़ टेढ़ी जमीन हो, पानी भी अगर भरा है उसमें भी ये फसल हो जाती है। इसका प्रारंभ किया है, इससे हमको बहुत अच्छी प्रॉफिट हुई है और बच्चों का जीवन अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई हो रही इससे, और जो अपना ही आमदनी अच्छी हो रही है। आपको कहाँ से जानकारी मिली जो आप खस की खेती के लिए? जो हमको बैंक ऑफ इंडिया से मिला था जानकारी। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया से आपको जानकारी मिली? बैंक ऑफ इंडिया से मिला। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया से जानकारी कहाँ, अखबार में आपने पढ़ा था, कहाँ से जानकारी? अखबार से पढ़ा था, जानकारी बाद में किया। बैंक वाले ने कहा बैंक ऑफ इंडिया वाले ने इसमें ऐसा होगा और जो करिए इसमें हम लोन देंगे आपका। सी मैप मॉडल की आधुनिक आसवन इकाई हरदोई में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लगवाई गई है।
इसमें मेथा, यूकेलिप्टस, अडूसा का तेल एवं गुलाब जल भी निकलने लगा है। 100 से अधिक किसान तुलसी की खेती के लिए भी आगे आ गए हैं। आरसीटी बेरोजगार युवकों एवं किसानों को प्रशिक्षण देता है। जैविक खेती प्रबंधन की जागरूकता आरसीटी संस्थान द्वारा तेजी से फैलाई जा रही है। घटती हुई जोत के कारण जिले के 93% किसान लघु एवं सीमांत हो गए हैं। ऐसी स्थिति में बेहतर कृषि प्रबंधन, कृषि विविधीकरण, जैविक खेती प्रबंधन, बेकार जमीनों का उत्पादक प्रयोग, वैज्ञानिकों एवं बैंकों का संयुक्त प्रयास, फसल पर आधारित उद्योग वहीं पर लगाना, यही एक सही रास्ता है। आरसीटी का यह प्रयास इसी ओर एक कदम है। कृषि पर आधारित उद्योग लगने से बेरोजगार युवकों को जिले में ही रोजगार मिलने लगेगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ जाएगी और वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। नाबार्ड के DDM श्री राजीव मोहन द्वारा REDP योजना में प्रशिक्षण व्यवस्था एवं PLP योजना में इस प्रकार की खेती के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया, जिससे कि किसानों की आय बढ़ सके। आप नमस्ते, कहाँ आप, कौन सा? हमने बैंक ऑफ इंडिया से फाइनेंस करके खस के लिए एक प्लांट भी लगा रखा है। खस का जो तेल बचेगा वो आपको नगद उससे पैसा मिलेगा और उसमें लागत बहुत। प्रशिक्षण के बाद CPC सेंटर के बैंक अधिकारी जांच करके समय से लोन स्वीकृत कर देते हैं। पहले आपने वहाँ से शाहबाद से किए हैं, आज शाहबाद में 22 फाइल आज इंस्पेक्शन कर ली है। हाँ। और इनको हम मंडे को वापस इन किसानों को बुला ली 10 बजे। खाते खुल गए हैं, उसमें ऋण का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो उसके आज सेंक्शन करके हम इनको मंडे को 10 बजे ब्रांच दे देंगे। तो ब्रांच में आ जाएंगे, अपने खाते में पैसा डाल दिया जाएगा और पैसा उससे निकाल करके ये अपना उपयोग कर सकते हैं। आप 10 बजे सोमवार को हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे किसान से जो ऋषि कैसे आकर के हरदोई जिले में लेमन ग्रास और खस की खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं और यहां के अन्य किसानों को इन खेतियों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब तो एक दाम कटेगी, एक ही बात। अगर गेहूँ काटने लगाए थे अप्रैल में, अषाढ़ के बाद लगाते बैसाख के बाद में, तो 2 कटिंग मिलती, एक बिस्तर भी मिल कटिंग। आपकी सफलता का राज क्या है? मैं राजीव गुप्ता हूं। मैंने बैंक ऑफ इंडिया के प्रशिक्षण संस्थान हरदोई से सगंध पौधे यानी एरोमेटिक प्लांट्स की खेती और जैविक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में CMAP लखनऊ, रहमान खेड़ा कृषि विज्ञान केंद्र हरदोई और शाहजहांपुर के कृषि वैज्ञानिकों तथा बैंक अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के बाद बैंक से ऋण लेकर मैंने तथा अन्य किसानों ने यह खेती प्रारंभ की। इसमें खस यानी वेटिवर तथा लेमन ग्रास की फसलें उगाई गईं। बैंक ऑफ इंडिया गोपा मऊ शाखा से मुख्यमंत्री रोजगार योजना में लोन लेकर मैंने CMAP मॉडल की तेल निकालने की डिस्टिलेशन फैक्ट्री लगाई। इन तेलों का प्रयोग सुगंध उद्योग, साबुन उद्योग, विटामिन ए निकालने आदि में होता है। अपने देश तथा विदेशों में इन तेलों की अत्यधिक मांग है। मेरी फैक्ट्री में मैंथा का भी अच्छी क्वालिटी का कम ईंधन खपत से तेल निकलता है। मैंने जिले में पहली बार यूकेलिप्टस की पत्तियों का, अडूसा का तेल और गुलाब जल निकालकर अच्छे दामों में बेचा है, जिससे किसानों को भी अच्छा लाभ मिला। अब मैं खस शरबत, दर्द निवारण तेल, लेमन टी आदि उत्पाद बनाने तथा बेचने लगा हूँ। मैंने इस खेती को बढ़ाने तथा अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए 18 बेरोजगार युवकों को काम दिया, जो 4500 रुपए से अधिक प्रतिमाह कमाई करने लगे हैं। जिले में बैंक ऑफ इंडिया 2-3 फैक्ट्रियां लगवा रहा है। मुझे विश्वास है भविष्य में जिले की बेकार जमीनों से किसानों को आमदनी और बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने लगेगा। अरे साहब, एक हमारी बात सुन ले। हम तुम दोनों ही कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। क्या मतलब? मतलब साहब यूं कि हम किसान, आप बैंक अधिकारी, आप कृषि वैज्ञानिक, ये गांव हमारा कमरा। आप लोग अगर इस जगह पर रुक जाएं, हम लोगों को कोई राय, कोई सलाह दें बढ़िया, तो खेती के बारे में अच्छी फसल पैदा करके हम लोग अपना जीवन सुधार सकें। बात तुम्हारी सही है। नमस्कार साहब।